नाम आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा सवाल है कि जब से मैं आध्यात्मिक चीज़ों को सुन रहा हूँ, एक कुछ एक साल का समय हुआ, तो उस समय से मैंने खुद को रोक दिया ये जानने के लिए कि मेरे लिए सही चीज़ क्या है, चाहे वो किसी मेनली प्रोफेशन और काम के सिलसिले में। तो क्योंकि मैं फिर बंधना नहीं चाह रहा था, मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैं डिसीजन लूँ कोई ऐसा और दोबारा से मैं ट्रैप हूँ, तो लेकिन अभी तक मैं फैसला नहीं कर पाया। तो क्या कोई समय काम का मुझे ख्याल रखना चाहिए कि क्या मेरे लिए उचित रहेगा, और मैं किस तरीके से डिसाइड करूँ? अभी तक क्या किया है? पहले मैंने ग्रेजुएशन किया था। ये तो समझ लो और समझा दो। अध्यात्म से जुड़े हो तो कह रहे हो कि ये ख्याल करना बंद कर दिया था कि उचित काम क्या है। पहले अभी जब से अध्यात्म से जुड़े हो तो ये ख्याल करना बंद कर दिया है, ऐसा कहा? जब से अध्यात्म से जुड़ा हूँ, उसके बाद ये ख्याल कर रहा हूँ कि अब मैं, मतलब जब मैं संभाल ही गया तो दोबारा कोई गलती ना हो, तो अब कि क्या करना चाहिए अब उस काम के सिलसिले में मिलनी, जिससे कुछ मैं और ट्रैप ना हो या फंसू ना मेरे लिए। क्या कह रहे हो, साफ साफ बताओ। जब से अध्यात्म से जुड़े हो तब से, तब से हाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जो भी काम चुनूँ फॉर मतलब अर्निंग के लिए, वो काम ऐसा हो जो मतलब उसी दिशा में मुझे आगे बढ़ाए, कुछ इस तरीके से ना हो जिससे मुझे और परेशानी हो आगे बढ़ने में। या तो ठीक है। इसी सिलसिले में मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था, तो करो डिसाइड। काफ़ी टाइम ले लिया मैंने। तो अच्छा, एक इसमें एक बस मेरा ये कन्फ्यूज़न है कि जैसे बहुत ज़्यादा मैं ये सोचता हूँ कि कोई काम ऐसा करता हूँ, और शायद हो सकता है वो कर्म के सिद्धांत पे कोई कन्फ्यूज़न हो, मुझे लगता है कि कोई ऐसा काम ना चुनूँ जिससे किसी को दुख पहुँचे। तो वहाँ पे अभी क्या करते हो? अभी मतलब मैंने कुछ दिन से तो बस ये यही सोच रहा था करना क्या है, तो मुझे लगा कि कुछ कितने दिन से? टाइम हो गया, काफ़ी टाइम, तो दिन क्यों बोल रहे हो? कुछ साल से? 1 साल से। 1 साल से सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए, तो क्या विचार किया? विचार में मैंने जैसे अभी सोच रहा था कि मैं सीखने के लिए सोच रहा था, फिर उसके बाद काम करने, जैसे आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी पे मैं सोच रहा था कि मैं सीखूं ताकि उस दिशा में मैं काम कर सकूं। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? प्रश्न यही था कि मैं जैसे कि मैं इसी चीज़ को लेकर सोच रहा था, मुझे लगा कि कुछ सम्यक भी होता है, जैसे कोई काम चुन लूँ जो कोई ऐसा काम जो और सहायक हो, एक एक साथी भी बन जाए, कुछ ऐसा भी होता है क्या? दोनों बातें होती हैं। मूल बात तो यही है कि अध्यात्म का अर्थ है बोध। विजडम। तो जीवन के जो भी निर्णय लो, चाहे वो काम चुनने के हों या कोई और निर्णय हो, वो अध्यात्म की बुनियाद पर होने चाहिए। तो एक तरह से अध्यात्म का मतलब ही है सही निर्णय लेने की कला। आध्यात्मिक नहीं रहोगे तो जीवन के निर्णय गलत होंगे। उसी तरह से कह सकते हो कि आध्यात्मिक नहीं होगे तो अपने लिए जो काम चुनोगे वो गलत होगा।
और दूसरा पक्ष भी है कि काम का चयन अगर ऐसा है कि वो तुमको दोषपूर्ण संगति में रखता है, तुम्हारे मन में बार बार लालच का या डर का संचार करता है, तो आध्यात्मिक साधना पर भी अंतर पड़ेगा। दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर लागू होती हैं। तो फिर शुरुआत कैसे करी जाती है कि जहां पर हो वहीं से अपने भीतर बोध पैदा करने की साधना शुरू कर दो। फिर वो साधना निर्धारित करेगी कि तुम जहां हो तुम को वहीं रहना चाहिए या जगह बदल देनी चाहिए। शुरुआत तो तत्काल ही कर देनी चाहिए और जहां हो वहीं पर कर देनी चाहिए, और उस शुरुआत से फिर आगे के सारे निर्णय सुधरते जाते हैं, साफ होते जाते हैं, बेहतर जगहों पर जैसे ऐसे पहुंचते जाते हो, साधना और तीव्र होती जाती है, फिर साधना और तीव्र जितनी होती जाती है और ज्यादा बेहतर जगहों पर पहुंचते जाते हो। तो फिर इस तरह से दोनों पंखों से गति होने लगती है। ठीक है।